My very dear students of grade 2, I hope you all are fine. As you all know, that from today we are going to start the revision of our science second term planner. And the first chapter which we have to do is food from plants, it's lesson number 4 from your book, page number 19. Uh, have you ever thought that why do we need food? It's very important or it plays a very important role uh, for giving us energy. विदाउट द फूड वी कैन नॉट गेट एनर्जी एंड विद दिस एनर्जी वी आर एबल टू ग्रो फूड जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है क्यों क्योंकि इससे ही हमें एनर्जी मिलती है और यही वो एनर्जी है जो कि हमें ग्रो करने में या हमारे मुख्तलिफ काम को करने में हमें मदद देती है यानी विदाउट द एनर्जी वी आर अनएबल टू डू एनी थिंग बट एज़ फार एज़ द प्लान आर कंसर्न देव बीन एबल टू मेक देयर ओन फूड जिस तरह इंसान जो है वो रेडीमेड फूड जो है वो कंज्यूम करता है बट द प्लांट्स हैव गॉट एबिलिटी दैट दे कैन मैनुफेक्चर देयर ओन फूड दे हैव गॉट लीव्स एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एयर वाटर सन लाइट एंड द क्लोरोफिल दे कैन मैनुफेक्चर देयर ओन फूड एंड जो फूड वो बनाते हैं वो उस फूड को uh, मुख्तलफ अपने पार्ट्स में स्टोर करते हैं ठीक है अच्छा प्लांट्स को फूड क्यों चाहिए प्लांट्स को भी फूड इसलिए चाहिए कि उन्हें ग्रो होना होता है ठीक है और जब वो अपना फूड तैयार कर चुके होते हैं तो वो अपने डिफरेंट बार में उसको स्टोर करते हैं मिसाल के तौर पे जो आम तौर से फ्रूट्स की शक्ल में जब वो फूड स्टोर करते हैं तो ये वही फ्रूट होता है जो हम और आप कंज्यूम करते हैं या इस्तेमाल करते हैं और उसे खाते हैं लेकिन साथ साथ प्लांट्स जो हैं वो कभी कभार न सिर्फ फ्रूट्स में बल्कि लीव्स में रूट्स में या सीड्स में या स्टेम पोशन पे भी अपना फूड स्टोर कर सकते हैं जैसे फ्रूट्स की यहाँ पे एग्जांपल गए है बनाना मैंगो पाइनएप्पल एप्पल दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द फ्रूट्स वेयर द प्लांट्स स्टोर फूड लेकिन uh, जैसे हमने हम लीव्स कंज्यूम करते हैं जिसमें पालक है बंद गोभी है हरा धनिया है पुदीना है ये वो सारे पत् पालक है ठीक है ना वो ये वो सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि पत्तों की शक्ल में मौजूद होती हैं जब भी हम इन लीव्स को कंज्यूम करते हैं क्योंकि प्लांट्स अपनी गज़ा को यहाँ स्टोर करता है एज द स्टेम्स आर कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ पोटैटो अनियन और शुगर करने वगैरह की ये जो एग्जांपल्स हैं ये एक्चुअली क्या है स्टेम पोशंस होते हैं प्लांट्स के यहाँ पर प्लांट अपनी वज़ा को स्टोर करता है और इसी प्लांट को इस प्लांट के इस पोर्शन को हम और आप कंज्यूम करते हैं एज़ अ फूड सप्लीमेंट कैन ऑल्सो स्टोर देयर फूड इन देयर रूट्स अपनी जड़ों में या अपने रूट्स में भी वो अपने फूड uh, को स्टोर करता है जैसे मिसाल के तौर तो पर रेडिश है टर्निप है कैरेट है ये वो एग्जांपल्स होती हैं uh, जो कि एक्चुअली क्या है ये रूट्स हैं ये जड़ें हैं लेकिन हम इन्हें अपने जैसे मूली हो गया शलजम है और गाजर ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं रूट्स की और साथ साथ जैसे बीज होते हैं उन बीजों को भी हम और आप इस्तेमाल करते हैं जैसे मटर के दाने हम खाते हैं या वीट है बीट के अंदर भी स्मॉल सीड्स मौजूद होते हैं जिसको हम क्रश करके या मज़ीद फाइन करके जो है वो ग्रेन वगैरह या आप कह सकते हैं ना जिसको हम फ्लोर बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से दालें हैं मख्तल या चने हैं और भुट्टे हैं या चावल के जो बीज होते हैं तो ये एक्चुअली फूड के डिफरेंट फॉर्म्स ए जो हैं वो डिफ़रेंट फॉर्म्स ऑफ फूड को डिफरेंट uh, uh, अपने uh, पार्ट्स में स्टोर करता है और ये फूड जो है हम अपने एज uh, अ अपने, हम अपने लिए ग़ा के तौर से इस्तेमाल करते हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर और अगर हम इसके असाइनमेंट की बात करें तो इसमें पेज नंबर ट्वेंटी टू पे आप देखें इसमें एक्सरसाइज गिवन है और पहला सवाल आपके पास एफ uh, बीस का आ रहा है यानी आपने नाम बताने हैं कोई भी एक स्टेम का नाम बता दीजिए जो कि हम एज अ फूड यूज करते हैं पीछे एग्जाम्पल दी हुई है पेज नंबर ट्वेंटी पर आप किसी एक स्टेम का नाम लिख दीजिए जो हम और आप खाते हैं कंज्यूम करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट इसी तरह से वो एग्ज़ाम्पल बताइए जिसके यानी प्लांट के अंदर जो फ्रूट है या प्लांट जो है वो स्टोर करता है लीव्स में कोई एग्जांपल बता दीजिए जैसे स्टेम में भी एग्जांपल आपको बताइए और वो पत्ते जो के जहाँ पर फूड स्टोर होता है जिसे हम अपना फूड एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं अभी हमने एक एग्जांपल्स दी थी अच्छा वो वाइट कलर्ड रूट जो कि हम अक्सर सलाद में भी यूज़ करते हैं वो कौन सा वाइट पार्ट है जो कि है तो बेसिकली रूट्स और उसको हम सलाद में भी इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से वो सीड जिसे हम ग्राइंड करके आटा बनाते हैं या आटे से यानी वो जो किसके बीज होते हैं जो अभी हमने पेज नंबर ट्वेंटी वन में चार एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं उनमें से आप सोच समझ के करिएगा कि वो कौन सी एग्जांपल है जिसको हम ग्राइंड करें तो उससे हमें क्या मिलता है आटा मिलता है या फ्लोर मिलता है ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लेक्चर में दी थी फिर इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर टू में देखें ट्रू ऑफ फॉल्स हैं ट्रू के लिए आप टिक करिएगा फॉल्स के लिए क्रॉस लगाइएगा कि प्लांट्स अपने ग़ा ख़ुद तैयार करते हैं कहाँ पर लीव्स में सोच समझ के फिर इसके बाद प्लांट जो है वो जितना भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या सिर्फ फलों में स्टोर करते हैं अभी हमने एग्जांपल दी थी कि नहीं बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हो जाते हैं जो कि स्टेम रूट्स लीव्स वगैरह में भी फूड को स्टोर करते हैं फिर इसी तरह से प्लांट्स स्टोर करने का फ़ायदा क्या होता है क्योंकि वो उसके बेबी प्लान्ट या नेक्स्ट प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि आप अगर देखें तो आप उन सीड्स को क्या करते हैं। आप हमें हम और आप उन सीड को जमीन में दोबारा ग्रो करते हैं उसको आ, कल्टिवेट करते हैं और फिर उससे हमें न्यू फ्लावर्स या न्यू प्लांट्स और न्यू प्लांट या ट्री जो है वो हासिल होता है फिर इसी तरह से आपने एग्जाम्पल्स बतानी है कि जैसे नाम लिखे हुए बनाना बीट रूट कैबेज क्रैम वीट दाल पीच शुगर केन और एप्पल ये पीछे भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और हमने लेक्चर में भी एग्जाम्पल देखी कि Uh, ये क्या है जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बता तो बनाना इज ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ़्रूट लेकिन अब बीट रूट क्या है कैबेज क्या ग्या ग्या है ग्राम क्या है ये सारी एग्जाम्पल्स आपके पीछे भी है लेक्चर में भी हैं सोच so, समझ के बताइएगा कि कौन सी एग्जाम्पल लीफ की हो सकती है कौन सी एग्जाम्पल सीड की हो सकती है कौन सी एग्जाम्पल स्टेम और कौन सी एग्जाम्पल रूट या फ्रूट की हो सकती है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज़ लेक्चर और एक्सप्लेनेशन विद असाइनमेंट इसको अच्छी तरह तो से ओर से देखिएगा इसके असाइनमेंट के साथ uh, ठीक है ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में कोई मुश्किल ना हो कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़